छात्रों गुड मॉर्निंग। आज हम आपको कक्षा 8 में विज्ञान के जो दूसरा पाठ है उसके क्वेश्चन आंसर्स सॉल्व कराएंगे। इसमें हमने जो दूसरा पाठ है सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं, ये बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, इन्हें अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते, इनको देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी यंत्र की आवश्यकता होती है। कुछ सूक्ष्म जीव बहुत अधिक तापमान पर रहते हैं, कुछ बहुत अधिक शीत में रह सकते हैं, दलदली स्थानों पर रह सकते हैं, तो कुछ ऐसे जीव हैं जो सजीव और निर्जीव दोनों के बीच की जिसको योजक कड़ी कहते हैं। कुछ जब सजीव के शरीर में प्रवेश करते हैं तो अपनी वृद्धि और वर्धन करते हैं, और जब निर्जीव स्थान पर रहते हैं तो वो अपनी सुप्त अवस्था में ही पड़े रहते हैं। इन वृद्धि कुछ नहीं होती, न गुणन होता है, लेकिन जैसे ही किसी सजीव में प्रवेश करते हैं तो उनमें वृद्धि गुणन सब क्रियाएँ होने लग जाती हैं। तो कुछ एक कोशिक के बारे में पढ़ा था, कुछ बहु कोशिक के बारे में, एक कोशिकाओं से बने वाले जो जीव हैं उन्हें एक कोशिक, जो एक से अधिक कोशिकाओं से बने होते हैं उन्हें बहु कोशिक कहते हैं। इनके जो वर्ग पढ़े थे हमने, शैवाल, प्रोटोजोआ, कवक, जीवाणु, ये मुख्य वर्ग हमने पढ़े थे। विषाणु भी हैं, जिसको ये विषाणु बड़ा वर्तमान में जो भयावह स्थिति या महामारी का रूप धारण कर रखा है COVID-19, ये भी वायरस, इंग्लिश में वायरस बोलते हैं, हिंदी में विषाणु कहते हैं, ये भी क्या है, एक सूक्ष्म जीव है और इसने वर्तमान में महामारी का रूप धारण कर रखा है जिसका भी कोई निदान भी नहीं हो पा रहा है। ये सजीव है तो ये जब निर्जीव होते हैं तो कुछ इस प्रभाव नहीं पड़ते हैं, किसी शरीर में प्रवेश कर जाए, किसी सजीव के प्रवेश शरीर में प्रवेश कर जाते हैं तो ये अपना विकराल रूप धारण कर लेते हैं, अपनी वृद्धि और वर्णन बहुत तीव्र गति से करते हैं। तो भाई आगे इनके कुछ लाभ और हानियां भी थी, सूक्ष्म जीव किस किस में उपयोगी हैं, आपके दही, पनीर, ब्रेड, मक्खन और आपके एल्कोहल, प्रतिजैविक, वायुमंडल, नाइट्रोजन, स्थिरीकरण, टीके के निर्माण में, वैक्सीन के निर्माण में इनमें उपयोग होता है। तो हानिकारक है ये पशुओं में, जंतुओं में एंथ्रेक्स नामक भयंकर रोग उत्पन्न करते हैं, फसलों में भी रोग उत्पन्न करते हैं, और बाद में लास्ट में आपके खाद्य पदार्थों की कुछ विधियाँ थी कि खाद्य पदार्थों को सुरक्षित कैसे रख सकते हैं, तो ये हमने इस पाठ में पढ़ा। अब इस पाठ में हमने आगे जो रिक्त स्थान है पहला पाठ ने दूसरा पाठ के रिक्त स्थान सूक्ष्म जीवों को खाली स्थान की सहायता से देख सकते हैं। पहला प्रश्न क्या है, सूक्ष्म जीवों को खालिस्तान की सहायता से देख सकते हैं, छात्रों हमने आपको बताया कि इनको देखने के लिए एक विशेष प्रकार के यंत्र की आवश्यकता पड़ती है। वो यंत्र इनके शरीर को या आकार को बहुत लाखों गुना बढ़ा करके हमें दिखा देते हैं, हजारों गुना बढ़ा करके दिखा देते हैं, और वो जो छोटे जीव हैं हमको बड़े से दिखाई देते हैं। तो उस यंत्र को कहते हैं सूक्ष्मदर्शी यंत्र, क्या कहते हैं, सूक्ष्मदर्शी यंत्र की सहायता से, जीवों को सूक्ष्मदर्शी यंत्र की सहायता से देख सकते हैं। अगला, नीले हरे शैवाल वायु से खालिस्तान का स्थिरीकरण करते हैं, नीले हरे शैवाल। दूसरा क्या है, नीले हरे शैवाल जो आप किसी लगातार भरे जल भरे के स्थान पर देखते हैं, एक हरे रंग का क्रिया जिसे हम काई कहते हैं, नीले हरे शैवाल जिसे क्या कहते हैं अपनी भाषा में, शिवाल या काई, ये काई क्या है, नीले हरे शैवाल है। ये क्या करते हैं, ये वायु से खालिस्तान का स्थिरीकरण करते हैं, वायु से स्थान का स्थिरीकरण करते हैं, क्या करते हैं, ये स्थिरीकरण करते हैं। किसका स्थिरीकरण करते हैं, किसको स्थिर करते हैं, ये करते हैं वायु का एक घटक है जिसका नाम है नाइट्रोजन, नाम है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। ये नाइट्रोजन वायुमंडल में सीओ3
और कुछ कवक होते हैं, लेकिन यहाँ ने उसमें नीले हरे शैवाल दिया है, ये वायुमंडल से लाइट को जलना स्थिरीकरण कहते हैं। और स्थिरीकरण करने से क्या है, मृदा के अंदर उर्वरता बढ़ जाती है, नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है। और कुछ पादप जो नाइट्रोजन पदार्थों का उत्पादन करते हैं, जैसे दाल है, दाल वाली जो फसलें हैं, दलहनी फसलें होते हैं, उनमें नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होती है। दाल में क्या होता है, प्रोटीन होता है, और प्रोटीन किससे बनता है, प्रोटीन के निर्माण में किसकी आवश्यकता होती है, CNOH, सी कार्बन एंड नाइट्रोजन ऑक्सीजन एच हाइड्रोजन, इन चार तत्वों से मिलकर क्या बनती है, प्रोटीन बनती है। और आपका जो कार्बोहाइड्रेट और वसा होता है उसमें कार्बन होता है, ऑक्सीजन होता है और हाइड्रोजन, उसमें क्या होती है, इसमें नाइट्रोजन नहीं होती है, इसमें कार्बोहाइड्रेट और वसा होती है। जबकि आपके प्रोटीन में कार्बन होता है, नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है और हाइड्रोजन होता है, इन चार तत्वों से मिलकर प्रोटीन बनता है। प्रोटीन हमारे शरीर की वृद्धि, विकास और मरम्मत के लिए बहुत उपयोगी है, और इस कार्य से प्रोटीन हमारे लिए उपयोगी है। और इस प्रोटीन में क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। इस नाइट्रोजन की पूर्ति कहाँ से होती है, पौधे कहाँ से होते हैं, जो नीले हरे शैवाल है नाइट्रोजन का स्थिरण करते हैं, कुछ राइजोबियम जीवाणु हैं जो मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन का नाइट्रेट यौगिक में बदलते हैं, और इस यौगिक को जल में घनशील अवस्था में पादप अपनी जड़ों द्वारा अवशोषित कर लेते हैं, और अपना जो प्रोटीन का संश्लेषण करने में, तो प्रोटीन उत्पाद प्राप्त कर बनाने में उनमें इसका उपयोग होता है। अगला है अल्कोहल का उत्पादन खालिस्तान नामक सूक्ष्म जीव की सहायता से किया जाता है। इसका अल्कोहल, जिसे हम शराब बोलते हैं, इसका उत्पादन कैसे किया जाता है, छात्रों इसके लिए किण्वन प्रक्रिया और फर्मेंटेशन। तीसरा है क्वेश्चन अपना अल्कोहल का उत्पादन, अल्कोहल का उत्पादन नमक सूक्ष्म जीव द्वारा किया जाता है, नमक सूक्ष्म जीव द्वारा किया जाता है, नमक सूक्ष्म जीव द्वारा किया जाता है। उस सूक्ष्म जीव का नाम बताओ जिससे एल्कोहल और यीस्ट का नाम था, यीस्ट द्वारा, इस यीस्ट के द्वारा एल्कोहल का उत्पन्न किया जाता है। ये हमारे जो अनाज होते हैं, चावल है, आपके जो हैं, आपके बाजरा है, इनको सड़ा गला करके और इष्ट पाउडर का उपयोग करके किण्वन की प्रक्रिया द्वारा, और चीनी को उपयोग करते हुए हम जो कारखाने उनमें एल्कोहल का उत्पादन किया जाता है। तो इसमें जो सूक्ष्म जीव उपयोग में लिया जाता है उसका नाम है यीस्ट, यीस्ट द्वारा। यीस्ट हमारे ब्रेड, इडली आदि काम में भी काम, आदि के बनाने में काम आता है, जलेबी आदि के खमीर उठाने में भी हम इस यीस्ट पाउडर का, यीस्ट नाम सूक्ष्म जीवों का उपयोग करते हैं। आगे आ रहा हैजा खालिस्तान के द्वारा होता है, चौथा है हैजा खालिस्तान के द्वारा, हैजा किसके द्वारा, शैवाल, प्रोटोजोआ, कवक, जीवाणु। हमने सूक्ष्म जीवों के चार वर्ग पढ़े थे, कितने, चार पढ़े थे, शैवाल, जीवाणु, प्रोटोजोआ, कवक। अब इनमें से देखिए अपना किसके द्वारा होता है, हैजा जीवाणु द्वारा, किसके द्वारा, जीवाणु द्वारा होता है, हैजा जीवाणु के द्वारा होता है। हैजा और छह रोग, टीबी कहते हैं, टिब्रियो कोलेरा द्वारा होता है टीबी, हैजा और टीबी या छह रोग दोनों किसके द्वारा होते हैं, ये दोनों ही रोग जीवाणु के द्वारा। अगला अपना क्वेश्चन है, सही शब्द के आगे टिक मार्क का निशान लगाना है, सही जो आंसर है उसका क्या करना है, टिक मार्क का निशान लगाना है। दूसरा क्वेश्चन, ये पहला अपना क्वेश्चन पूरा होया, आपने इसको समझ लिया होगा। अब जो आपको ऐसे डबल मिले उसमें इनसे देख करके अपने उत्तरों को सही सही रूप से भर लेना। इष्ट का उपयोग निम्न के उत्पादन में होता है, इष्ट का उपयोग
टेक्स्ट का उपयोग किसमें होता है ये बताना है। तो इष्ट का उपयोग किसमें होता है भाई? इष्ट का उपयोग सोडियम कार्बोनेट, स्ट्रेप्टोमाइसिन, एल्कोहल ईस्ट। सोडियम कार्बोनेट, अब देखिए ईस्ट का उपयोग चीनी, एल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और ऑक्सीजन, चार ऑप्शन है। पहला है चीनी, चीनी में ईस्ट का उपयोग नहीं होता है। दूसरा दिया है एल्कोहल, और तीसरा हाइड्रोक्लोरिक, चौथा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में भी नहीं होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, किस होता है एल्कोहल में। तो इसमें क्या आएगा आगे, तो क्या आएगा एल्कोहल होता है, एल्कोहल होता है। आगे है, निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक है? सोडियम कार्बोनेट, स्ट्रेप्टोमाइसिन, एल्कोहल ईस्ट। स्ट्रेप्टोमाइसिन प्रतिजैविक, उसके पश्चात अगला है मलेरिया परजीवी का महक है। तो इसमें अपना जो पहला ऑप्शन है मादा एनोफ्लीज मच्छर, वो इसको उत्तर होगा। मादा एनोफ्लीज मच्छर। इसके काटने से ये प्रोटोजोआ वर्ग है, इसका ये प्रोटोजोआ वर्ग है, इसके काटने से क्या होता है? मलेरिया बुखार होता है, और इसमें सर्दी लगकर के बुखार होता है। निश्चित समय पश्चात बुखार की पुनरावृत्ति होती है और टीकाकरण द्वारा इसका उपचार वर्तमान में हो जाता है। अगला है संचरणी रोगों का मुख्य कारण क्या है? संचरणी रोगों का मुख्य कारण, पर आने जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। ये कहीं भी मानव अवशिष्ट, जंतु अवशिष्ट पर बैठ जाती हैं, और कहीं भी कीचड़ में या रोगाणु पर कहीं बैठ जाती है, और वहाँ से उड़ करके अपने खाद्य पदार्थों पर आकर बैठ जाती है। यदि उस दूषित खाद्य पदार्थ को जब भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं तो उससे हम पीड़ित हो जाते हैं, हम क्या हो जाते हैं? रोगी हो जाते हैं। तो ये जो घरेलू मक्खी है सबसे अधिक संचरणीय रोग का कारण है। अगला है ब्रेड इडली फूल जाती है किसी कारण? ब्रेड की फूलने का कारण क्या है? ब्रेड इसके फूलने का कारण क्या है? इष्ट कोशिकाओं की वृद्धि। क्या है? इष्ट कोशिकाओं की वृद्धि, इष्ट कोशिकाओं में वृद्धि, इसके कारण में वृद्धि होती है। ब्रेड का फूलना, इडली का फूलना। अगला छह में है चीनी का एल्कोहल में परिवर्तन होने का प्रकरण क्या कहना है? चीनी का एल्कोहल में परिवर्तन, एल्कोहल में परिवर्तन, फर्मेंटेशन या किण्वन बोलते हैं। क्या होते हैं? इसमें है नाइट्रोजन स्थिरीकरण, मोल्डिंग, किण्वन, संक्रमण। जिसका अपना उत्तर क्या होगा? किण्वन। किण्वन, किण्वन की प्रक्रिया होती है जिसमें चीनी को प्रक्रिया द्वारा एल्कोहल में परिवर्तित कर दिया जाता है, और उस प्रक्रिया का नाम है किण्वन। अगला क्वेश्चन है अपना एक कोलम का मिलान करना है। क्या करना है? कोलम का मिलान करना, कि एक कोलम दिया है उसमें जो प्रक्रियाएं हैं उसको कोलम बी से मिलान करना है। जीवाणु का जो कोलम है
प्रोटोजोआ, एक प्रोटोजोआ, एक विषाणु, एक विषाणु, ये अपने ये कॉलम एक के थे। कॉलम दिया है नाइट्रोजन स्थिरीकरण दही का जमना, तीसरा दिया है ब्रेड की बेकिंग मलेरिया का, ब्रेड की बेकिंग और दही का जमना, दही का जमना, दूध से दही बनना, दही का जमना है दूध से दही बनना, और भाई मलेरिया का कारण, मलेरिया का कारण, मलेरिया का कारण, मलेरिया का कारण। आगे है भाई हैजा का कारण, हैजा का कारण, हैजा का कारण, हैजा का कारण, AIDS एड्स का कारण, और अंत में दिया प्रतिजैविक उत्पादित कारण, प्रतिजैविक, प्रतिजैविक उत्पादित कारण, प्रतिजैविक उत्पादित। अब देखिए हमें कॉलम क या कॉलम एक का मिलान कॉलम कैसे करना है, कॉलम क का मिलान किसे करना है, कॉलम कैसे करना है। अब हम देखते हैं जीवाणु, जीवाणु क्या क्या कार्य करते हैं। जीवाणु का नाम है लैक्टोबैसिलस नामक सूक्ष्म जीवाणु है, ये क्या है दही का जमने में कार्य करते हैं। दो बार लिख दिया हमने दही का जमना, ब्रेड की दही का जमना, ये दो बार, ब्रेड की बेकिंग है दही का जमना, दही के जमने के लिए सूक्ष्म जीव होते हैं जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस। क्या नाम है लैक्टोबैसिलस, ये सूक्ष्म जीव कार्य करते हैं जो दूध को दही में परिवर्तित कर देते हैं। राइजोबियम क्या करते हैं, ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करते हैं, क्या करते हैं नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करना कार्य करते हैं। जो ये आपके जो सेम है आपके मटर है, इनकी जड़ों के अंदर एक गुठिकाएँ गुल्लिकाएँ होती है, गुठिकाएँ होती है वो मोटे मोटे गाठे जड़ों पाई जाती है, उनका कार्य क्या है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करना। लेफ्टो जीवाणु छात्रो जीवाणु लेफ्टो पैसे सदा सीख दिया है हमने, इसमें छोड़ लिया इसका, तो हमें जीवाणु लैक्टोबैसिलस है इसलिए कार्य है जीवाणु में ये, और ये दही के जमने कार्य क्या करता है, जो हमने जीवाणु द्वारा कर दिया था जीवाणु है इसमें से हैजे का कारण, जीवाणु क्या है हैजे का कारण, ये भी जीवाणु, जीवाणु द्वारा ही दही का जमना होता है। लेकिन अब राइजोबियम क्या है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, दूसरा लैक्टोबैसिलस से दही का जमना ये कार्य होता है, यीस्ट द्वारा ब्रेड की बेकिंग, यीस्ट का क्या कार्य है ब्रेड की बेकिंग। हमने तो पढ़ाया बताया था कि थोड़ी सी मैदा लेकर के और उसमें थोड़ा चीनी डाल करके और चीनी डाल करके यीस्ट पाउडर डाल देते हैं, तो कुछ समय पश्चात देखते हैं कि उसके अंदर जो मैदा है वो कुछ समय पश्चात वो अधिक फैल जाती है, फूल जाती है, मोटी हो जाती है। कारण क्या है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस का ये जो वृद्धि करते हैं यीस्ट, यीस्ट वृद्धि करते हैं तो उसमें सूक्ष्म जीव उत्पन्न होते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड से उसका आयतन बढ़ जाता है, जो आपका मैदा है उसका आयतन बढ़ जाता है, ये क्या कहते हैं ब्रेड की बेकिंग में और आपके खमीर बनने में काम आता है। प्रोटोजोआ मलेरिया का कारण है, प्रोटोजोआ क्या है मलेरिया का कारण, और विषाणु क्या है विषाणु एड्स का कारण है, विषाणु क्या है एड्स का कारण है, विषाणु के द्वारा एड्स रोग होता है, ये वायरस
19 कोरोना है, ये रोग भी सिर्फ एक वायरस के द्वारा हो रहा है और ये एड्स निकलकर आपके H1N1 इन्फ्लुएंजा, ये स्वाइन फ्लू है, वो वायरस के द्वारा होता है और साधारण हल्का जो जुकाम होता है ये भी इससे सर्दी जुकाम ये भी वायरस होता है। तो अपने यहाँ पर क्या है, एक विषाणु प्रतिजैविक एक विषाणु क्या है, एड्स का कारक है प्रतिजैविक। इसमें से अपना कोई भी जो कोलम कैसे है वो कोई भी ऐसा कारक नहीं है जो प्रतिजैविक उत्पाद करने संबंधित हो, तो ये अपने इस उसका नहीं है। तो छात्रों ये अपना प्रश्न पूरा हुआ, अब इसके पश्चात अब हम जो आगे का कार्य है वो हम कल अगले वीडियो में आपको बताएंगे। आपको इसको अपने जो PDF फाइल मिले उसमें आपको अच्छे से सुंदर रूप से लिखना है, अच्छे अक्षरों में और याद करना है। धन्यवाद।